Pairwise sequence alignment. Pairwise means pairs ko compare karna, pairs ki alignment karna. Pairs mein chunke do cheeze hoti hai, so pairwise alignment mein do sequences ko align kiya jata hai. Hamare paas agar do sequences ho, to wo do sequences ek dusre ke saath kitne similar hai ya ek dusre se kitne different hai. This is one of the major questions in bioinformatics, जिसमें bioinformatics की जो है वो major उसके जो जो grounds हैं, जो roots हैं, वो सिर्फ एक इसी एक question के अंदर है, how similar are two sequences or how dissimilar are two sequences. For example, हम किसी एक species से एक sequence लेते हैं और किसी दूसरी species से दूसरा sequence लेते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों sequences आपस में कितनी similar है या इसमें कितनी variation है. So this is basically what we are talking about, the pairwise sequence alignment. जब भी pairwise alignment की जाएगी तो means के we want to align these two sequences, but we want some optimal alignment. क्योंकि सिर्फ हमारा मतलब उनको align करना नहीं होता, उसका optimal alignment होता है. और जब हम optimal alignment करते हैं तो it means के किसी भी चीज़ को जब हम judge करते हैं तो उसका कोई criteria भी होना चाहिए. और जब हम alignment करते हैं तो alignment का अपना एक score होता है किसी scoring function के base पे. और जब हमारे पास अलाइनमेंट्स आते हैं तो इन अलाइनमेंट्स को हम स्कोर करते हैं, और जिस अलाइनमेंट का स्कोर बेटर होगा वो अलाइनमेंट उतना ज़्यादा बेटर और उतना ऑप्टिमल अलाइनमेंट कहलाया जाएगा. सो स्कोरिंग देयर सिमिलैरिटी बेस्ड ऑन देयर ऑप्टिमल अलाइनमेंट. पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज बेसिकली लाइनिंग अप टू सीक्वेंसेस टू अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी इन बिटवीन द amino acid sequences or sometimes the DNA or RNA sequences as well, for the purpose of assessing the degree of similarity and the possibility of homology. इसी purpose के लिए pairwise alignment हमेशा perform किया जाता है, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो identity और homology को find out करना होता है, similarity को find out करना होता है. यहाँ पर हमने जो terminology use की, identity, similarity की जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की, या कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, फॉर एग्जांपल हमने होमोलॉजी की यूज़ की, तो होमोलॉजी के साथ साथ फिर ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है. उनको हम पहले डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी से हमारा क्या मतलब होता है. आइडेंटिटी इज़ बेसिकली द एक्सटेंट टू विच टू सिक्वेंसेज आर इन वेरियंट फ्राम ईच अदर, मीन्स के हाउ मच टू सिक्वेंसेज आर सिमिलर टू ईच अदर. दिस इज़ आइडेंटिटी. जब आप सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे तो वो दो सीक्वेंस एक दूसरे से कितनी ज़्यादा इनवेरिएंट है, मींस कि वो कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है एक दूसरे के साथ. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ द टू सीक्वेंसेस. सो उनकी हमारे पास अलाइनमेंट के बाद हमारे उनके पास है उनकी परसेंट आइडेंटिटी आती है दो सीक्वेंसेज की. फिर हमारे पास एक और फैक्टर आता है जिसके बेस पे हम सीक्वेंस को वेट करते हैं. दिस इज सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी इज द एक्सटेंट टू व्हिच न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेज आर रिलेटेड टू ईच अदर. और जब हम अलाइनमेंट करेंगे तो सिमिलैरिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास परसेंट सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी स्कोर अलाइनमेंट का आता है, और वहां से हमें पता चल जाता है कि दो सीक्वेंसेस एक दूसरे के साथ कितने रिलेटेड है. इट इज़ बेस्ड अपॉन आइडेंटिटी प्लस कंजर्वेशन. ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो आइडेंटिटी या सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट होता है, और हमें अलाइनमेंट को जज कर सकते हैं विद रेफरेंस टू सिमिलैरिटी. एक है जी कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जब ये अलाइनमेंट परफॉर्म की जाएगी तो उस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जो चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से उस सीक्वेंस का की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कितने प्रिजर्व है या कंजर्व्ड है विद रेफरेंस टू दैट स्पेसिफिक रेजिड्यू चेंज इन प्रोटीन, या कभी कभी डीएनए सीक्वेंसेस में भी. तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन. अनदर टर्मिनोलॉजी इज होमोलॉजी. Homology means similarity attributed due to descent from the same ancestor. जब भी कोई sequence या sequences same उनके ancestor same होगा, तो same ancestor से जब भी कोई event होगा, for example speciation का event होता है, तो वो जो मुख्तलिफ species में sequences जाएंगे उनके आपस में कोई ना कोई similarity होगी. But this type of similarity will be called as होमोलॉजी विच इज़ ड्यू टू डिसेंट फ्राम द सेम एंड सिस्टर. अब जब होमोलॉजी दो तरह की होती है, एक है पैरालॉग्स और एक है ऑर्थोलॉग्स. पैरालॉग्स जो है पैरालॉग्स बेसिकली दे आर होमोलॉगस सीक्वेंसेज इन द सेम इंडिविजुअल, एंड इट इज़ ड्यू टू
the event of duplication, gene duplication ki wajah se parallax pyrazine, for example, hum human ki baat karte hai, for example, human mein ki ek sequence jo hai wo multiple times available hai. These sequences are parallax of each other. Aur ye parallax kyun maujood hai? Kyunki wo gene ke kisi stage ke upar duplication hui, and that's why there are multiple copies are there, are parallax are there in the same individual. Iske muqable mein orthologs hote hain. Orthologs are homologous sequences in different species, and that's due to the process of speciation. Ke ek sequence jo hai, for example, a gene p53 is there in human being, and p53 is there in another organism, for example, in monkey as well. To monkey ka jo p53 hai aur human ka p53 jo hai wo ek dusre ke orthologs hai, and this is due to the speciation event. Ye hua jab speciation hua, ek ancestor se ye descent hue, to speciation ki wajah se orthologs bane. Pairwise sequence alignment information is useful for answer a variety of different types of questions. For example, it can answer us the questions of identifying sequences with similar structure and similar function. Ya evolutionary information ke bare mein, yahan se hum evolutionary information hame milti hai. Bahut sare aur is tarah ke questions hai jo pairwise sequence alignment se hame uske structure ya function ke bare mein bhi information mil sakti hai. So इन सारे पर्पसेस को, इन टास्क को अचीव करने के लिए पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट किया जाता है, और मुख्तलिफ सिनेरियो में जो भी हमारे क्वेश्चंस उस सिनेरियो में होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए दो सीक्वेंसेस को आपस में लाइन अप किया जाता है, अलाइन किया जाता है, और हम अपने वो टास्क जो है, हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करते हैं. सो दे मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिनेरियोज, बट बेसिकली पेयर वाइज सीक्वेंसेस को अलाइन किया जाता है जब भी पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट होगी.